ये जो जेडी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ये बड़ोदरा गुजरात का है एंड विशाल सर के तरफ से मेरे पास में ये जेडी ऑनलाइन भेजा गया है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, कंपनी बेस्ड है, इसमें सैलरी भी ऑफर जो किए गए हैं बेस्ड होने वाला है। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा जो डिटेल्स हम आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे उस डिटेल्स को अच्छे तरीके से कलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इशूज़ अभी हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है। विशाल सर बोलते हैं कि जेडी स्क्रीन पे लगाओ, हम स्क्रीन पे भी लगाते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, कॉल करते हैं और परेशान करते हैं, ये गलत बात है। सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ, जेडी में जो योग्यता बताया जाता है, समथिंग लाइक दैट बताया जाता है कि हाँ भैया डिप्लोमा होना चाहिए, ITI होना चाहिए या फिर मैकेनिकल होना चाहिए, उस चीज़ों को नहीं देखते लोग, 8वीं पास 5वीं पास कॉल करते और फालतू के परेशान करते। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि आप लोग सबसे पहले दिए गए इन्फॉर्मेशन को सही मायने में समझो, उसके बाद विशाल सर के कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करना। ये जो है आपको साइड में ऑनलाइन में जेडी चलाऊंगा और बताऊंगा, जेडी यहाँ साइड में लगा दूंगा और आपको अच्छे तरीके से सब कुछ दिखने वाला है। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देखने के बाद में ही मिलता है, नहीं तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको सही से नहीं मिल पाएगा। वेल आप भी एक्साइटमेंट हो करके भी इस जॉब को नहीं कर सकते। सो इसमें 31 अगस्त तक आपके पास में समय निर्धारित किए गए हैं। और हाँ, अगर आप योग्य नहीं होंगे ना तो इस वीडियो को उस लोगों के पास शेयर कर देना जो कि इस काम के लिए योग्य है। यहाँ पे कि ये जो कंपनी है, आपको साइड में जेडी शो कर रहा हूं, बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स कैंडिडेट बर्लिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अप्रेंटिसशिप अंडर NAPS, ये अप्रेंटिसशिप का जॉब होने वाला है, जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। पोजीशन है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, जो भी डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए सुनहरा मौका होने वाला है, वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनी आराम से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी असुविधा नहीं होगा उनको, ठीक है ना जी। ऑल स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल है। बहुत सारे लोग हमसे ये भी टॉकिंग कर रहे थे कि सर अप्रेंटिसशिप करना है, बिकॉज हम बिहार से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा से, और हम दूसरे स्टेट में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अच्छे से कंपनी में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं जहाँ पे मेरा सैलरी भी बढ़िया बन जाए, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 वैकेंसीज है, ओनली फ्रेशर्स कैंडिडेट अलाउड है। जो भी फ्रेशर्स है, जो अभी तक कहीं काम नहीं किए, जिनको कहीं का भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैंडिडेट इस कंपनी में काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मैक्ट्रॉनिक्स ओनली, बेसिक क्राइटेरिया है मिनिमम 50% इन डिप्लोमा इन बैकलॉग, यहाँ पे एंड नो बैकलॉग, मतलब बैकलॉग नहीं होना चाहिए इसमें, और 50% कम से कम आपका नंबर होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर के लिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सैलरी जो है स्टाइपेंड है 15,000 रुपये पर मंथ है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में अटेंडेंस बोनस 2,000 रुपये मंथली है। अगर टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो 17,000 रुपये बड़ोदरा गुजरात में इस कंपनी में सैलरी मिलने वाला है। जॉब लोकेशन है मंजू सर बड़ोदरा गुजरात में होने वाला है। ओनली रेलिवेंट एंड फ्रेशर्स कैंडिडेट कॉल नाउ, जो भी रेलिवेंट फील्ड में उसको एक्सपीरियंस है डेफिनेटली ट्राई अगेन फॉर दिस वैकेंसी। एंड अगेन लोकेशन इज बड़ोदरा गुजरात, एंड मैं आपको यही कहता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन है एक्यूरेट है, लेकिन योग्य जो होते हैं ना वही ट्राई कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग बेस में भी बोला था क्योंकि HR रिक्रूटर जो है परेशान हो जाते हैं, तो इस चीज़ों को पहले ही आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो बाद में इशूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, और बाद में आप भी कन्फ्यूज, HR रिक्रूटर भी कन्फ्यूज़, और हम भी कन्फ्यूज़। तो ऐसा नहीं करना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। थैंक यू सो मच।